नगर सरकार की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आपको ये बता दें कि हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर कल काउंटिंग होगी। कल मतगणना के बाद चुनाव परिणाम आएगा। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर भी पुलिस की तैनाती की गई है। तो हरियाणा में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए आप जानते हैं कि 19 जून को वोटिंग हुई थी और अब कल यानी कि 22 जून को चुनाव परिणाम आना है। तो इससे पहले प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर कड़ा पहरा है पुलिस का। तो 19 जून को ही उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई थी। इस बार चूंकि चेयरमैन के इंडिविजुअल चुनाव हुए हैं तो बेहद महत्वपूर्ण रहा इस बार का ये निकाय चुनाव। 18 नगर परिषद 28 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव हुए। छिटपुट हिंसक घटनाओं को छोड़कर आप कह सकते हैं कि ये शांतिपूर्वक मतदान हुआ। अब कल भी शांतिपूर्वक ढंग से वोट काउंटिंग हो, चुनाव परिणाम आए, ये प्रयास प्रशासन के हैं, चुनाव आयोग के हैं। हिसार से कुलदीप सिंह और साथ ही बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, सबसे पहले आप बताएं कि कल चूंकि वोट काउंटिंग होनी है, कल चुनाव परिणाम आना है, क्या क्या तैयारी प्रशासन के? तरफ से जो है तमाम तैयारियां पूर्ण की गई है और हांसी के SD जो कॉलेज है उस पे जो है प्रशासन की तरफ से स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया। वहीं जो है काउंटिंग सेंटर भी प्रशासन की तरफ से वहीं बनाया गया है और इस काउंटिंग सेंटर में जो है 14 जो है टेबल लगाई गई है जिनमें करीब 10 राउंड में जो है गिनती होनी है और आज सुबह 8 बजे गिनती वहाँ पर शुरू होगी। और सुरक्षा व्यवस्था के चलते वहाँ जो है प्रशासन की तरफ से तमाम पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा जो है जिन अधिकृत एजेंटों को जो है पास दिए गए हैं, जिनको जो लोग पोलिंग के समय वहाँ पर मौजूद थे, एजेंट बने हुए थे, उन्हीं लोगों को सिर्फ जो है मतगणना केंद्र के अंदर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी समर्थक है उन्हें जो है जो मतगणना केंद्र है उससे बाहर दूर ही रखा गया है। पुलिस की तरफ से वहाँ पर बैरिगेटिंग भी की गई है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी और अनुमान है कि करीब 2 बजे तक जो है मतगणना पूरी हो चुकी होगी। बिल्कुल, तो हिसार से कुलदीप जानकारी दे रहे हैं, साथ ही प्रदीप हमारे साथ बहादुरगढ़ से जुड़े हैं। प्रदीप, कल चूंकि काउंटिंग होनी है, कल परिणाम आएगा, इससे पहले आज किस तरह की हलचल और किस तरह की तैयारी? जी ज्योति, बिल्कुल, बहादुरगढ़ और झज्जर दोनों ही जगह चुनाव हुए हैं तो ऐसे में यहां पर कल काउंटिंग होने वाली, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं तो वहीं शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए भी पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में थे लेकिन यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ के 31 वार्डों का चुनाव भी होना था जिसमें से वार्ड 30 से पहले ही नीना सतपाल राठी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है तो ऐसे में 30 वार्डों के जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो कल आने वाले हैं। मतगणना होगी तो पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा और साथ ही बहादुरगढ़ के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर भी कौन विराजमान होगा, ये भी कल की काउंटिंग तय करेगी। साथ ही बहादुरगढ़ में जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है वो राजकीय महाविद्यालय है, कन्या महाविद्यालय, वहां पर बनाया गया है। वहां पर प्रशासनिक अधिकारी आज सारा दिन तैयारियों में लगे रहे और वहां पर 14 टेबल लगाई गई हैं। 9 राउंड की काउंटिंग की जाएगी। अध्यक्ष पद के लिए और वार्ड के सदस्य पद के लिए दोनों ही काउंटिंग साथ साथ चलेंगी। एक के बाद एक वार्ड के जो प्रतिनिधि होंगे, जो काउंटिंग एजेंट होंगे, पहले वार्ड के बाद दूसरे वार्ड, तीसरे वार्ड, इस तरह सिलसिले वार तरीके से उन्हें अंदर बुलाया जाएगा और एक वार्ड की गिनती खत्म होने के बाद जब नतीजे घोषित होंगे तो पहले वार्ड के विजेता उम्मीदवार को सर्टिफिकेट वहीं मौके पर ही दे दिया जाएगा, यानी उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद इकट्ठे जब सभी बूथों की जो काउंटिंग होगी उसके बाद अध्यक्ष पद का जो उम्मीदवार है उसे विजेता घोषित किया जाएगा। बिल्कुल ज्योति। अच्छा कुलदीप, देखिए जीत के दावे सभी की ओर से किए गए लेकिन कल तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी क्योंकि चुनाव प्रचार में भी सभी के जीत के दावे थे, अब भी दावे तमाम किए जा रहे हैं लेकिन कल ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि जनता ने किसे चुना। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा जरूर करता है लेकिन जनता ने किसे विजेता घोषित किया है, किसे जो है ताज पहनाया है, वो कल ही साफ हो पाएगा। क्योंकि बात की जाए कि पार्टियां जो थी वो मैदान में सभी पार्टियां नहीं थी, BJP और JJP, हांसी में जो है BJP चुनाव लड़ रही थी जगत नगर परिषद का और जो है बरवाला में जो है JJP पार्टी चुनाव लड़ रही थी। हालांकि दोनों पार्टियों के उम्मीदवार
बिल्कुल मुकाबले में है और त्रिकोणीय मुकाबला जो है हांसी और बरवाला दोनों निकाय चुनावों में देखा जाएगा। हांसी की बात की जाए तो हांसी में ये रिकॉर्ड रहा है कि पिछले 5 से भी ज्यादा बार जो है महिलाएं चेयरपर्सन रही हैं। इसके अलावा पंजाबी जो समुदाय है वहाँ अधिक संख्या में है और जो पंजाबी समुदाय वोट डालता है वो कहीं ना कहीं तय भी करता है, कहीं ना कहीं ये डिसाइड करता है कि किसे इस बार जो है ताज पहनाया जा सकता है। हालांकि ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं के वोट से जो है उम्मीदवार बिल्कुल साफ तौर पर जीतता है, क्योंकि उसके अलावा सैनी समाज के भी वहां लोग मौजूद हैं और बड़ी संख्या में मौजूद है। तो इस तरीके से कई बार समीकरण ऐसे बैठते हैं और जो पिछले चुनावों में देखा गया है, पिछले हंसी जो नगर निकाय चुनाव की हिस्ट्री रही है वहां ज्यादातर जो है चेयरमैन चेयरपर्सन पंजाबी समुदाय से ही बने हैं। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप, विस्तार से आपने जानकारी दी। साथ ही प्रदीप, क्या लोगों ने अपने शहरी स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट किया? हालांकि वोटिंग कम हुई बहादुरगढ़ में, आप बार बार जानकारी देते हैं, और क्या ये उम्मीद हम करें कि बहादुरगढ़ का विकास अब हो पाएगा नगर सरकार के गठन के साथ ही? जी ज्योति, बिल्कुल, भादरुगढ़ में 1,33,000 वोटर हैं जबकि 59% ही मतदान हुआ। तो ऐसे में जो नेशनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उनके लिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि भादरुगढ़ के लोगों ने इस बार मुद्दों को लेकर ही वोट दिया है, पार्टी को देखकर वोट नहीं दिया है। हालांकि भादरुगढ़ में अब भी त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, लोग फैसला कर चुके हैं कि किसे जिताना है। 19 तारीख को चुनाव के दिन जब मतदान हुआ तो सबकी राय जो ईवीएम में है वो बंद हो गई थी, कल जब ईवीएम खुलेगी तो पता लग जाएगा कि भादरुगढ़ की जनता किसे चुनना चाहती है, किसके पक्ष में उन्होंने वोट दिया है। साथ ही भादरुगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबले की अगर बात की जाए तो ये मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सरोज राठी, इनेलो प्रत्याशी मोनिका कपूर राठी और इनेलो समर्थित उम्मीदवार राम भतेरी रवि खत्री के बीच बना हुआ है। लगातार जो है 9 प्रत्याशी हैं, ये 9 प्रत्याशी मैदान में थे अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन 3 के बीच ये मुकाबला जो मामला जो है वो बना हुआ है। जी बिल्कुल, तो त्रिकोणीय मुकाबला है। बहुत शुक्रिया प्रदीप, आपने जानकारी दी है कि प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है और किन मायनों में बेहद अहम हो जाते हैं ये चुनाव। तो बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रदीप आपको जानकारी दे रहे थे और कुलदीप सिंह हिसार से जानकारी ये दे रहे थे कि क्या कुछ तैयारी है, चूंकि कल सुबह वोट काउंटिंग शुरू होगी और शाम होते होते तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बीजेपी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा है और साथ ही बीजेपी भी रही, इनेलो की ओर से भी कहीं उम्मीदवार उतारे गए हैं, आम आदमी पार्टी भी मैदान में नजर आई। कांग्रेस ने हालांकि कई जगह पर कई उम्मीदवारों को समर्थन जरूर दिया है लेकिन सिंबल पर कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा है। तो पंचकूला, फतेहाबाद, नूह और रोहतक की महम की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3-लेयर सिक्योरिटी दी गई है, सुरक्षा दी गई है और कड़ा पहरा के पुलिस का। कल भी पूरे दिन की हम बात करें तो कल भी कड़ी सुरक्षा के बीच वोट काउंटिंग होगी। प्रयास ये होगा कि निष्पक्ष ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से मतगणना हो और चुनाव परिणाम सबके सामने आए। तो 22 जून का इंतजार है, कल सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी, वोट काउंटिंग दरअसल शुरू हो जाएगी। वोट काउंटिंग के साथ ही कल परिणाम भी सबके सामने होगा। तो 19 जून को सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई थी और अब पूरी तरह से जो स्ट्रांग रूम है उन पर कड़ा पहरा है। कल का इंतजार, कल मतगणना होगी, चुनाव परिणाम आएगा। तो किसके दावों पर जनता ने यकीन किया है, क्या चेहरे देखकर वोट किया गया, क्या पार्टियां, जहां पार्टियां मैदान में थी क्या पार्टियां देखकर वोट किया गया या फिर स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट किया गया है, ये भी कल ही पूरी तरह से साफ हो पाएगा। तो 19 जून को वोटिंग हुई थी गुरुग्राम में, नूह में और यमुनानगर में, काफी अच्छा आंकड़ा रहा वोटिंग का, लेकिन भिवानी और झज्जर की हम बात करें तो वहां वोट प्रतिशत काफी कम रहा। हालांकि जनता ने किसे चुना है, किन मुद्दों के साथ चुना है, ये तस्वीर पूरी तरह से कल चुनाव परिणाम के बाद साफ होगी। वहीं पलवल में नगर परिषद चेयरमैन पद के 14 और पार्षद पद के 136 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद है। 22 जून यानी कल उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए अंबेडकर कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। प्रशासन ने 3 स्तरीय सुरक्षा की कड़े इंतजाम किए हैं, साथ ही उम्मीदवार और उनके समर्थक भी स्ट्रांग रूम पर सुरक्षा की दृष्टि से नजर बनाए हुए हैं। तो 136 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। पलवल की हम बात कर रहे हैं, मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी, तो मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल मतगणना होगी और उसके बाद ही परिणाम सबके सामने होगा।
अभी सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। पलवल नगर परिषद चुनाव में 14 चेयरमैन प्रत्याशी और 136 पार्षद पद के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में कैद है। कल जो है वोटों की गिनती शुरू होनी है। मैं स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हूं, ये अंबेडकर कॉलेज है, यहां पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। इसके बारे में बात करें तो 22 जून को जब नतीजे आएंगे उसके लिए ईवीएम की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने 3 स्तरीय सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस यहां पर तैनात की गई है। पल पल की जानकारी के लिए पूरे महाविद्यालय में सीसीटीवी की नजरों में रखा गया है। स्ट्रॉन्ग रूम के साथ लगते भवन के अंदर 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सीसीटीवी की डिस्प्ले पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, जवान यहां पर तैनात हैं। भवन के अंदर किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। बात करें उम्मीदवारों की तो उम्मीदवार भी यहां पर अपने जो है अपने समर्थकों के साथ लगातार यहां पर स्ट्रॉन्ग रूम की जो है निगरानी करे हुए हैं। उम्मीदवारों को लगता है कि कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए वे खुद यहां पर 24 घंटे लगातार पहरा दे रहे हैं। साथ साथ उम्मीदवारों को भी यहां बार बार आ जा रहे हैं, उनके समर्थक लगातार यहां पर स्थिति पर अपना नजरें बनाए हुए हैं। मैं बात करूं जिस तरह से आप उनको जिस तरह कल चुनावों के नतीजे आने हैं नगर निकाय के, तो सुबह 7 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू होगी और काफी सुरक्षा के दायरे के अंदर मतों की मतगणना होगी। किसी भी तरह की सामाजिक असामाजिक तत्व कोई गतिविधि ना हो इसके लिए सुरक्षा के बंदोबस्त यहां पर किए हुए हैं। अब ये तो 22 तारीख को शाम तक पता चलेगा कि कौन यहां पलवल का चेयरमैन बनता है, क्योंकि कौन पलवल का अलग अलग वार्डों से पार्षद बनते हैं, क्योंकि जब मतगणना होगी और काउंटिंग के बाद ही उनकी किस्मत का जो फैसला होगा। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक। पलवल के अलावा बहादुरगढ़ के 31 वार्ड और चेयरपर्सन पद के लिए कल मतगणना होनी है। बहादुरगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। मतगणना के लिए 14 टेबल्स लगाई गई है। 9 राउंड्स की गिनती के बाद जारी होगा रिजल्ट। चेयरपर्सन पद के लिए 9 उम्मीदवार मैदान में, सबकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है, पुलिस की निगरानी में ईवीएम है और कल इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि जो चुनाव प्रचार में वादे किए गए, दावे किए गए, जीत की तमाम बातें की गई, उन बातों में कितना दम है और किसे जनता ने चुना है, किस पर भरोसा जताया है। कल ये मतगणना और चुनाव परिणाम के बाद पूरी तरह से सबके सामने होगा। बहादुरगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल जनरल इलेक्शन 2022 की काउंटिंग कल 22 जून 2022 को शुरू होगी। सुबह 8 बजे शार्प ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमने यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी पर्सोनल पुलिस के हमने आर्म्ड गार्ड्स लगवाए हैं और जो काउंटिंग टीम्स हैं वो भी फॉर्म करी की जा चुकी हैं, अपॉइंट की जा चुकी हैं। काउंटिंग टीम्स की ट्रेनिंग भी हो चुकी है, सारा स्टाफ हमारा रेडी है। चलिए अगली खबर है फतेहाबाद से। मतगणना को लेकर तैयारियां फतेहाबाद में भी पूरी कर ली गई हैं। बीघड़ रोड स्थित कम्युनिटी सेंटर पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। मतगणना के लिए 14 टेबल यहां पर लगाई गई हैं। हर एक टेबल पर 3 कर्मचारी तैनात होंगे। मतगणना के लिए 150 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, तो 5 राउंड में मतगणना पूरी होगी। मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। तो सभी को इंतजार है चुनाव परिणाम का, उन लोगों को भी जो इलेक्शन में उम्मीदवार थे और उन्हें भी जिन्होंने वोट किया था। ये बात में 2 म्युनिसिपल काउंसिल हैं और 2 म्युनिसिपल कमेटीज जिनका चुनाव शांतिपूर्वक हो चुका है और कल 22 तारीख को मतगणना होनी है, तो उसके लिए हमने लगभग 150 एम्प्लॉयज की ड्यूटी लगाई गई है और हर मतगणना केंद्र पर 2 नंबर ऑफ टेबल्स फिक्स की हैं और उसकी ट्रेनिंग भी। चलो जसपाल सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। जसपाल, कल वोट काउंटिंग है, कल चुनाव परिणाम आना है, क्या और किस तरह की तैयारियां प्रशासन की? जी बिल्कुल, कल सुबह जो 22 तारीख है और 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। करीब 2 से 3 घंटे के बीच जो है ये मतगणना पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है परिणाम सामने आ जाएंगे। तो इसकी जो मतगणना को लेकर जो है प्रशासन ने भी कड़े कदम उठाए हैं और 150 कर्मचारी इस जो मतगणना को है वो पूरा करेंगे और करीब
इसमें एक जो टेबल होगी जहां ईवीएम होगी उसमें 3 कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं और 14 टेबल्स लगाई गई हैं और करीब 4 से 5 राउंड है वो होंगे, तो सुरक्षित दृष्टि में भी काफी चाकचौबंद पुलिस की तरफ से किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। स्ट्रॉन्ग रूम के आगे भी पुलिस की जो गार्ड है वो खड़ी है, तो यानी कि सुबह 8 बजे जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी, मात्र 2-3 घंटे तक ये काउंटिंग चलने वाली है और फिर एक जो है पार्षद और चेयरमैन पद का जो वो है वो हो जाएगा, जो ताज है वो कट जाएगा। बहुत शुक्रिया जसपाल सिंह, आपने विस्तार से बताया क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से। तो मतगणना के लिए कुल मिलाकर 14 टेबल्स लगाई गई हैं, 3-3 कर्मचारी हर टेबल पर रहेंगे, सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम होते होते वोट काउंटिंग खत्म होने के बाद चुनाव परिणाम सभी के सामने होगा। तो मतगणना के लिए फतेहाबाद की ही बात कर रहे हैं, 150 कर्मचारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है, तो मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कल का ही इंतजार अभी बाकी है, कल नगर सरकार के परिणाम सबके सामने होंगे।